कौन सा ये है सेटा ना ये भी है। और दोस्तों क्या हाल समाचार, सब ठीक है? तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाला है और अभी मैं चलता हूँ माल सरियाने। तो देख सकते हैं अभी गमछा उमछा सब, जैसे परसों फेरी करने गया था तो ऐसा ही है, और कल माल लाया इसी बोरा में, तो ये सबको सरिया लेते हैं। देख सकते हैं किस तरह से सब बिखरा हुआ है। तो चलते हैं, पहले सबको अच्छा से सरिया लेते हैं, अच्छा से गिन गिन करके उसके बाद में स्नान करके खाना खा के चलेंगे फेरी करने। तो अभी तो 7 बज रहा है, पहले चलते हैं माल सब सरिया लेते हैं। सरिया से आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं सारा सरिया लिया और इधर का भी हो गया टोटल, अच्छा से सबको बिखरा हुआ था सबको सरिया लिए और झोरा गमछा सब तैयार हो गया। और दोस्तों सबको अच्छा से सरिया से दे देना 8:30 बजे, फिर अभी चलते हैं बस करते हैं और स्नान करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी नहा वहा करके आ गया हूँ और खाना वाना भी हो गया है और टाइम दोस्तों अभी लगभग 9:30 हो रहा है। और देख सकते हैं आज का मौसम किस तरह का है, धूप उगा हुआ है और हवा भी चल रहा है। गाड़ी निकाल लिया हूँ और अभी चलते हैं माल को लोड कर लेते हैं। तो चलिए माल को लोड करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी लोड कर लिया देख सकते हैं और अभी निकलता हूँ, आज धूप तो है गर्मी भी है और अभी 9:45 हो गया है। तो निकलते हैं देखते हैं कितना काज सेलिंग होता है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, शाम तक देखते हैं कितना काज बिक्री होता है। दोस्तों घर से निकलते ही लगभग 60 रुपये का बोनी हो गया है, अब निकलते हैं आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। कौन सा 10 रुपये गमछा लीजिए बच्चा के लिए, पैंट गंजी टी शर्ट लगे प्लाजा लीजिए। तो यहाँ पे कितना 4 बंडली है बच्चा जी, तो पैसा लेने गई हुई तो पैसा लेके निकलते हैं, पैसा के लिए रुके हुए। गमछा लीजिए बच्चा के लिए, पैंट गंजी टी शर्ट लगे प्लाजा लीजिए। कौन सा ये है सेटा ना ये भी है तो हमारा दूसरा पैसा है तो ना पट ले लूँ तो हो जाते 350 हमारे पास रुपया अभी तो कैसे दे हम पट के दाम करते हैं 60 के वही रेट में देना सी पहल का 150 का जोड़ा है लेकिन 75 60 रुपये में दे रहा छोड़ दू। दोस्तों जहाँ पे वो चाची ली है पैसा दे रही थी वहीं पे जो है ना एक और लेडीज पॉइंट लिए हैं हाफ सियान वाला, और उसके बाद में फिर वही चाची फिर बंडी ली है, तो लगभग वहाँ पे 100-150 के आसपास तक सेलिंग हुआ है। तो चलते हैं आगे क्योंकि मौसम तो आज के देख ही रहे हैं। गमछा लीजिए बच्चा के लिए, पैंट गंजी टी शर्ट लगे प्लाजा लीजिए। गमछा लीजिए बच्चा के लिए, पैंट गंजी टी शर्ट लगे प्लाजा लीजिए। धूप काफ़ी है अभी और बिक्री आज बहुत ही कम हो रहा है, तो अभी कल है यहाँ पे तो पानी थोड़ा पी लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। इधर घर उड़ है तो इधर तो बिकता रहता है 2-4 पीस, लेकिन आज किधर भी कुछ भी नहीं बुझा रहे। चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक लगभग 12-12:30 हो रहा है अभी और सेलिंग अभी बहुत ही कम हो रहा है। तो चलते हैं पानी पी के और निकलते हैं आगे। तो वहाँ से पानी पी रहा था, वहाँ से जो है ना निकलने के बाद लगभग एक गांव में घुमा हूँ और समय लगभग 1.25 घंटा लग गया है और सेलिंग 250 का हुआ है, रेट भी बहुत ज़्यादा कम लगाता है, फिर भी और के बेचना पड़ता है। और दोस्तों 250 के सेलिंग में कितना 1.25 घंटा लग गया, तो होता है कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और दोस्तों अभी देख सकते हैं धूप अभी नहीं है, छांव है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गांव से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे रुके हुए हैं, साइड में देख सकते हैं पोखरी है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे पानी पियेंगे, कल है मेन रोड में तो वहाँ पे पानी पियेंगे और उसके बाद में निकलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों अभी आ गया हूँ मेन रोड पर, शिवहर से सीतामढ़ी वाला रोड है बसंत पट्टी पूर्णिया होकर के, और यहाँ पर कल है तो यहीं पर पानी पी लेते हैं, यहाँ गाड़ी लगा हुआ है, पानी पी के फिर निकलते हैं।
तो भूख भी लग गया है, काम नहीं होता तो भूख भी बड़ा लगता है, तो चलते हैं नाश्ता भी करेंगे। अभी 2:30 बज रहा है, देखते हैं होटल के पास कितना बजे पहुंचते हैं। फाइनली दोस्तों अभी आ गया हूँ होटल में और देख सकते हैं अभी और समोसा है, तो नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ से डायरेक्ट आया हूँ, एक गाँव घूमते हुए आया हूँ। चलिए अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी नाश्ता कर लिया और इधर गाड़ी लगा हुआ है और बसंत पट्टी बाजार है, तो नाश्ता कर लिया निकलते हैं। दोस्तों बिक्री नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि दोस्तों नाश्ता करने के बाद जो है ना लगभग तीन गांव घूमा और एक भी बिक्री नहीं हुआ। और इस समय व्यू देख सकते हैं कितना धूप, कड़ा धूप है। अभी टाइम की बात करें तो दोस्तों अभी हो गया है कितना टाइम, दोस्तों अभी लगभग 4 बजने वाला है। कितना धूप है देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गर्मी है इस समय। और उधर मैं फेरी कर रहा था तो उधर बारिश नहीं हुआ है, लेकिन इधर बारिश थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि दोस्तों फेरी नहीं होता है तो घूमने का मन ही नहीं करता है। अच्छा सेल भी आज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रुकते हैं। और दोस्तों नींद भी आ रहा है, नींद इसलिए आ रहा है कि लगभग 12 बजे तक जगे रह गए वीडियो एडिट करने के चक्कर में। तो चलिए थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सेल भी आज नहीं हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी लगभग बेड डूब ही चुका है, देख सकते हैं इधर नाली दिख रहा होगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ सीधे घर और लगभग अभी 6 बज रहा है, अभी 10 मिनट और समय, 10 मिनट के बाद जो है ना अंधेरा हो जाएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ घर। दोस्तों आज शेयरिंग बहुत ही कम हुआ है, बैठा था वहाँ पर थोड़ा सा आधा घंटा के आसपास रुका हूँ, उसके बाद घुमाऊँ फिर नई सेलिंग हुआ है। तो टोटल सेलिंग गिनती भी हो गया है, तो इतना हुआ है तो लगभग दोस्तों 850 रुपया का सेलिंग है आज। 850 कितना बचेगा आज फिरे, मतलब घुमा भी बहुत दूरी तक घूमा, सब दिन से ज़्यादा आज गांव घुमा, तब जाके कितना 850 का सेलिंग हुआ। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल घर, और समय भी ख़त्म हो गया है। 850 में वही कितना 30% निकाले तो होता है 24, 250 के आसपास तक इनकम हुआ है, इसमें 100 रुपया हमको बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फेरी हुआ है, तो 150 के आसपास तक लगभग पेट्रोल ही खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय।